में आए हैं वो बैठ गए। जो मजा लेने के लिए आए हैं वो अपने घर में जाकर सो जाए, और जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं वो अपनी जगह लेकर के बैठ जाए। इसलिए कि दीवार तंग हो सकती है, दामन शोएब औलिया तंग नहीं हो सकता। इसलिए जिनको जहां जगह मिल जाए थोड़ी देर के लिए चट्टान की तरफ बैठ जाए। मुझसे कबल आपने शायद आजम हिंदुस्तान हजरत हसन रजा सिवानी से ना तो मुनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे शाम सुने। मौलाना अल्कामा साहब किबला ने भी बड़ी उम्दा तकरीर की, बहुत बड़ा काम भी किया। अजीज़े गिरामी नूर सलीम साहब जो बीच बीच में आपसे मुलाकात करते रहे, इस वक्त जमात की मुश्तरका खुशबख्ती है कि शहजादा शोएब औलिया पीर तरीकत रहबर राह शरीयत सरकार वही दुस्समा सा किबला दामन बरका तुहुल कुदसिया जो इस वक्त हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोल दो आमीन। बाबला वालों पीर तो आप बहुत देखे हो पीर, लेकिन आज आंखें फाड़ फाड़ के देखो कि पीर किसे कहते हैं। जो चले तो सुन्नत पैगंबर की इत्तिबा हो, और जिसने न जाने कितनों को अपने टुकड़ों पे पाला हो। हम आज मार्केट में बिकने वाले पीर बहुत हैं, मार्केट में बिकने वाले टोपी दाढ़ी वाले इमाम भी बहुत हैं, मार्केट में बिकने वाले मजावी भी बहुत हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिकना तो दूर, जिनके तलवों के धोवन को जवाहरात से भी नहीं बदला जा सकता। जिनका बिकना तो दूर, जिनकी जूतियों के खाक को लालो गोहर से भी तब्दील नहीं किया जा सकता। उसी बिहार में खरीदने वाले बहुत थे, बड़े बड़े सेठों की तिजोरियां खुल चुकी थी, बड़े बड़े दौलतमंद अपने दौलतों को तिजोरियों से निकाल चुकी थी, लेकिन उसी सिवान की धरती पर रहने वाला एक मर्द कलंदर, एक कैसा था साहब तसर्रुफ था, एक कैसा था दौलत था, एक कैसा था हसीन था, अब लोगों की दौलत तो तिजोरियों में रहा करती है, सही बुलाउलिया की दौलत उनके ठोकरों में। और आपने देखा था ना हुजूर शोएब औलिया को? अरे बोलो, देखा था ना? हसीन तो इस कदर थे जिसको देख लिया उसे भी हसीन बना दिया, जिसे देख लिया उसको देखने के काबिल भी बना दिया। आजकल तो लोग मेकअप लगाकर हसीन बनते हैं, लेकिन सरकारे शोएब औलिया में जुहद व तक्वा का हुस्न था, और ऐसा हसीन कि आज हजरत को देख लो शोएब औलिया का जलवा समझ में आ जाएगा। जोर से बोल दो। और एक चीज याद रखना, हम लोग घर वाले हैं, ये मुस्तफा के घर वाले हैं।
अरे तभी तो आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा दूंगा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा दूंगा। जब बरेली के ताजदार ने इस शेर को लिखने के लिए कलम उठाया इमाम इश्क मोहब्बत की निगाह के दाग मदीने तैयबा की जानी बुटी गुंबद खजरा से टकराई मौला अली को देखा कहा ये भी नूरी है सैयदा फातिमा को देखा कहा ये भी नूरी है हसन ने मुज्तबा को देखा कहा ये भी नूरी है अब मेरे इमाम की निगाह मदीने से पलट के करबला की जानी बुटी हुसैन ने मुज्तबा को देखा कहा ये भी नूरी है हसन सैयदा ज़ैनब को देखा कहा ये भी नूरी है अली अकबर को देखा कहा ये भी नूरी है अली असगर को देखा कहा ये भी नूरी है अब मेरे इमाम की निगाह मदीने से पलट के बगदाद की जानिब उठी गौसे आज़म को देखा कहा ये भी नूरी है अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन को देखा कहा ये भी नूरी है साबिर में देवा में साबिर को देखा कहा ये भी नूरी है कलियर में वारिस को देखा कहा ये भी नूरी है कचोचा में मखदूम को देखा कहा ये भी नूरी है तब मेरे इमाम ने लिखा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर इसलिए आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में हम दर वाले हैं हजरत मुस्तफा के घर वाले जरा झूम के बोल दो और जोर से।